नमस्कार आप सभी का स्वागत है न्यूज़ पी पर मैं हूं रिया और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी रंजीत झा आज चर्चा होगी प्रशांत किशोर पर बता दें कि वो लगातार बयानबाजी करते नजर आए हैं उन्होंने बीजेपी का साथ एक बार फिर से दिया है और इस बार फिर से कांग्रेस को निशाने पर लिया है इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा होगी बिहार चुनाव पर भी आएंगे उपचुनाव पर भी आएंगे तो सारी बातें हमारे साथ करेंगे हमारे सहयोगी रंजीत झा प्रशांत किशोर ने हालिया में बीजेपी का साथ देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा गोवा में उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो कहीं नहीं जा रही है और इस बात को राहुल गांधी को रियलाइज करना होगा वो समझ नहीं रहे प्रशांत किशोर की, की बातों को समझने के लिए बीजेपी को अपना आंख और कान दोनों खोल लेना चाहिए प्रशांत किशोर जो भी कहते हैं उसके पीछे एक स्ट्रेटेजी होती है एक रणनीति के तहत वो कुछ भी बोलते हैं लोग समझ नहीं पाते हैं इसका मैं एक उदाहरण भी बताऊंगा हालांकि मैं यह भी कहता हूं कि प्रशांत किशोर की, की जो पॉलिटिक्स है वो जो बातें कहते हैं अपनी बातों पे कभी कभी वो रहते भी नहीं हैं आपको याद होगा बंगाल चुनाव में बम्पर जीत के बाद उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि वो इस तरह की रणनीति में अब हिस्सा नहीं लेंगे अब वो तो हाँ अब वो किसी पार्टी के लिए चुनावी कैंपेन नहीं करेंगे लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि वो गोवा में जा कर के अभी जो कह रहे हैं टीएमसी के लिए बैटिंग कर रहे हैं हालांकि इन पे आरोप भी लगने शुरू हो गए कांग्रेस ने बहुत कुछ कह दिया पप्पू यादव ने कह दिया या फिर बीजेपी ने कहा कि प्रशांत किशोर जो आज कह रहे हैं अमित शाह ने बहुत पहले ही इन बातों को लेकर के जिक्र किया था तो बात वहीं खत्म हो जाती है लेकिन मेन बात यह है कि प्रशांत किशोर एन वक्त पर जब चुनाव होना होता है कहीं उपचुनाव होना होता है या यूपी में चुनाव होना होता है या बंगाल में चुनाव चल रहा होता है तभी वह बीजेपी की तरफदारी क्यों करने लगते हैं जबकि वह किसी दूसरे दल के लिए बैटिंग कर रहे होते हैं यह बात जब सोचना होगा भाजपा वालों को भी बंगाल चुनाव के दौरान अचानक से एक ऑडियो वायरल होता है जो इन लोगों ने ग्रुप चैट किया था जिसमें बीजेपी को लेकर के और बंगाल में ममता बनर्जी की रणनीति को लेकर के चर्चाएं हो रही थी तो प्रशांत किशोर खुल्लम खुल्ला कहते नजर आ रहे थे कि नरेंद्र मोदी को करोड़ों वोटर्स जो है भगवान मानते हैं वोट करते हैं बीजेपी के कोर वोटर्स हमेशा एकजुट हैं उनके साथ रहते हैं और इस तरह से बीजेपी के लिए जो है यहाँ पे वोट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वोट उनको मिलेगा कुछ इस तरह से कह रहे थे जिससे लगा था कि स्पष्ट तौर पर भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी जो कैंपेन कर रहे हैं तो बीजेपी की सरकार वहाँ पर बंगाल में बन जाएगी लेकिन चुनावी नतीजे ने यह साबित किया कि प्रशांत किशोर ने एक रणनीति के तहत उस ऑडियो को बाहर कराया था ताकि भाजपा के कार्यकर्ता इन सब चीजों के बाद गदगद गद हो जाए मस्त हो जाए और जाए। और ग्राउंड लेवल पे काम करना बंद कर दें तो इससे क्या होता है कि एक मैसेज होता है ना कि जो मेंटल गेम जो बोलते हैं माइंड गेम खेलना जो बोलते हैं उसको या एक आप माइंड गेम समझिए कि माइंड गेम की तरह प्रशांत किशोर ने चुनावी रणनीति में इस चीज को उतारा है कि हम ऐसा कहेंगे कि हम विरोधी पार्टी में रह करके अपनी विरोधी पार्टी का तारीफ़ करेंगे उसकी तारीफ करेंगे और उससे यह लगेगा कि प्रशांत किशोर जब बोल रहे हैं तो इससे जो वोटर्स हैं विरोधी पार्टी के वो बीजेपी में स्विच कर जाएंगे ऐसा लगता है दरअसल इस गेम का असर उल्टा होता है प्रशांत किशोर एक टैक्टिस वाले इंसान हैं वो जब भी कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं कोई पॉलिटिक्स के लिए कोई प्लानिंग करते हैं उसमें हर चीज़ में एक खेल होता है तो उन्होंने बंगाल में यही चीज़ किया जिसका नतीजा देखने को मिला है कि बीजेपी को वोट न पड़ के ममता बनर्जी के पार्टी को बम्पर वोट पड़ा है इस बार इन्होंने राहुल गांधी पे निशाना साधा कि राहुल गांधी की समस्या यह है उन्हें लगता है कि चीज़ें समय के साथ अपने आप बदल जाएंगी जनता जो है नरेंद्र मोदी की सरकार को उठा करके फेंक देंगी ये अपने आप नहीं होता है उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस 40 साल शासन में रही तो कैसे रही क्योंकि परसेंटेज परसेंटेज जो कांग्रेस को मिलता रहा वो वोट बताता है कि जनता का विश्वास किसी पार्टी से इतनी जल्दी खत्म नहीं होती तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि समय का इंतजार करना पड़ता है लेकिन उस दौरान आपको आपको नरेंद्र मोदी के लिए चाहे बीजेपी के लिए या सत्ता में जो भी पार्टियां हैं उनके स्ट्रेंथ पर ध्यान देना पड़ेगा उसको एग्जामिन करना पड़ेगा कि किस वजह से वोटर उनके साथ हैं इन्होंने कहा ना कि जब कोई पार्टी 30 या 31 परसेंट वोट के साथ सत्ता में आती है पूरी बहुमत के साथ आती है तो उससे आप यह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इस पाँच साल के बाद अगले पाँच साल में सरकार गिर जाएगी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप राहुल गांधी को वो कह रहे हैं कि आप इस भ्रम में मत रहिए कि आप इतनी आसानी से नरेंद्र मोदी को बाहर फेंक देंगे सत्ता से हटा देंगे ऐसा नहीं होता है तो यह एक संदेश जरूर है क्या फैक्ट्स पे जा करके उस वक्त भी उन्होंने एक करोड़ वोटर्स को लेकर के या अलग अलग कैटेगरी के, के वोटर्स को लेकर के उन्होंने बताया था पूरा विश्लेषण के तहत बताया था जिससे यह लगने लगा बंगाल में भी बात कर रहा हूँ यह लगने लगा कि प्रशांत किशोर जो भी कह रहे हैं उस बातों में दम तो है बीजेपी खुश तो हो गई उनकी खुशी की की वजह भी यही थी कि प्रधानमंत्री की तारीफ़ हो गई बीजेपी के कोर वोटर्स की चर्चा हो गई और ये सारी चीज़ें होने के बाद ऐसा लगता है कि वोटर्स बीजेपी के साथ आ गए और यहाँ से भड़क गए तो इस बार भी बिहार में उपचुनाव होना है तारापुर कुशेश्वर स्थान में और यहाँ पर क्या है प्रशांत किशोर ने यूपी चुनाव को देखते हुए गो, गोवा के चुनाव को देखते हुए यहाँ पे इन्होंने एक फिर से माइंड गेम खेला इन्होंने यह कह दिया कि भाजपा जो है खास करके भाजपा के वोटर्स बरकरार हैं इनके वोटर्स को बिखरने में वक्त लगेगा और इनका कहना है कि दरअसल लड़ाई क्या होती है जो ये बताते हैं लोगों के बीच में वो तो फैक्ट है कि एक तिहाई वर्सेज दो तिहाई की लड़ाई शुरू हो जाती है दो तिहाई जो वोटर्स होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि 30 से 31 परसेंट वोट की बात मैंने की जो बीजेपी को पड़ता है उसके बाद जो परसेंटेज बचते हैं जो दो तिहाई वोट की हम बात कर रहे हैं उस वोट में बिखराव है वो वोट अगर पहले कांग्रेस को एक मुश्त पड़ता था तो अब क्षेत्रीय पार्टियां इतनी हो गई हैं कि उसी कांग्रेस के वोट को बांट बांट के बांट बांट के अलग अलग हिस्सों में तोड़ देती हैं जो वोट का जो पोलराइजेशन होता है जब ध्रुवीकरण की हम बात करते हैं कि पार्टियां वोट ले जाती हैं चाहे मुसलमान का वोट है या फिर कोयरी का है बनिया का है कुर्मी का है या फिर अलग अलग धर्म विशेष पर चले जाते हैं तो वोट बांटने की जो प्रक्रिया है वो दो तिहाई वोट ही बढ़ता है लेकिन बीजेपी के कोर वोटर्स जो हैं वो तीस बरकरार रहते हैं। और जब तक तीस परसेंट बरकरार हैं, तो किसी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता और राहुल गांधी इस बात को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिनको रियलाइज करना पड़ेगा इसे कई कांग्रेसियों को बुरा लगा पप्पू यादव को बुरा लगा पप्पू यादव कहते हैं कि सबसे जल्दी तो माफ़ी आपको इसलिए मांगनी चाहिए क्योंकि आपकी वजह से 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आ गई थी जो पिछले दस सालों से अब जो है अभी जो है दूसरा सत्र शुरू हो गया है तो दस साल तक तो राज करेगी तो आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए लेकिन प्रशांत किशोर के चुनावी रणनीति को समझ नहीं पा रहे हैं बिहार में वो थे नीतीश कुमार के साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार का विरोध करते रहे और दम्भ ऐसा प्रशांत किशोर का कि वो मुजफ्फरपुर में जा के कह रहे थे कि जब मैं एम पी प्रधानमंत्री बना सकता हूँ तो मैं आपको मुखिया नहीं बना सकता तो इसी दौरान आर सी सिंह का ठीकरा फूटा इसी दौरान ललन सिंह गुस्सा हुए नीतीश कुमार पे प्रेशर बना और इन्होंने जो है प्रशांत किशोर को बाहर का रास्ता दिखाया और प्रशांत किशोर समझते हैं इन चीज़ों को जब वहाँ से निकले तो उसके बाद वो रणनीतिकार हैं करोड़ों अरबो पैसा लेते हैं पैसा लेने के बाद किसी पार्टी के लिए बैटिंग करते हैं तो कांग्रेस ने इस वक्त यही कहा कि दरअसल ये बीजेपी के बी टीम बन करके वहाँ पे टीएमसी को लेके गए हैं और खुद भी वही काम कर रहे हैं इनका कोई अपना अपनी विचारधारा है नहीं जो इनको पैसा देता है उनके लिए प्लानिंग करने लगते अभी हैं अभी भी बाग में स्ट्रैटेजिस्ट ही बने बिल्कुल ये रणनीतिकार हैं और नए नए तरीकों से जो है जनता के मन को वो पढ़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा इन चीज़ों में महारत हाँ, इनको हासिल हो रखा है और ये जैसे जैसे अपने प्लान के हिसाब से चलते हैं वैसे वैसे लोग उस पर उस रोड मैप पे चलना शुरू कर देते हैं, हैं। दरअसल आप प्रशांत किशोर के पूरे हिसाब किताब को अगर आप समझेंगे तो कई दफ़े ऐसा हुआ कि जहाँ जहाँ वो गए और वैसे ही मछली को पकड़ने की कोशिश करते हैं जहाँ पर लगता है कि उस पार्टी का भविष्य आगे है अब ये बताइए कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्होंने कांग्रेस में जोड़ने के लिए कन्हैया कुमार जिग्नेश हार्दिक इन लोगों को जोड़ने के लिए ये किया बैटिंग किया इन्होंने ये राहुल गांधी से लगातार मिले उन्होंने कहा कि आप कन्हैया कुमार को जोड़िए अपनी पार्टी में अब एक तरफ वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं कांग्रेस की पार्टी को मजबूत करने की बात करते हैं दूसरी, दूसरी तरफ आप यह बयान एक बयानबाजी बयान कर रहे हैं माइक लेकर के बैठे हुए हैं और जवाब दे रहे हैं कि आप बीजेपी को इतनी आसानी से सत्ता से बाहर नहीं कर सकते हैं इनके वोटर्स बहुत एकजुट हैं और एक तिहाई वोट में कोई दिक्कत नहीं है कोई उठा नहीं है लेकिन असली लड़ाई जो है वो दो तिहाई वोटरों के बीच में है और वो दो तिहाई वोटर ही कांग्रेस के वोटर हो चाहे अन्य क्षेत्रीय दलों के वोटर हो आपस में लड़कट जाते हैं और वोट एक मुश्त किसी को नहीं पड़ने के कारण जो है कांग्रेस की हालत दयनीय होती जा रही है और इस चीज़ को एग्जामिन करना पड़ेगा वो राहुल गांधी से कह रहे कि आपकी कमी यही है आपकी समस्या यही है कि आप इन चीज़ों को एग्जामिन नहीं कर रहे हैं आखिर नरेंद्र मोदी अगर नरेंद्र मोदी बने प्रधानमंत्री बने या बीजेपी सत्ता में आई तो उसके पीछे के पॉजिटिव फैक्टर्स क्या थे आप उस पॉजिटिव फैक्टर्स पे विचार कीजिए ना उस पॉजिटिव फैक्टर्स को आप अपना पॉजिटिव फैक्टर कैसे बनाएंगे उसको लेकर के आप तैयारी कीजिए ये इन्होंने खुले तौर पे कह दिया और एक संदेश देखिए ये संदेश चलिए ठीक है उन्होंने फैक्ट मैंने मैं कह रहा हूँ ना कि उन्होंने बंगाल चुनाव में फैक्ट पर बातें की थी सारे डेटा को रख के उन्होंने बताया था कि कैसे बीजेपी का जलवा बंगाल में बरकरार है लेकिन उन्होंने जब नतीजा निकला तो वो दिखा कि ममता बनर्जी के सपोर्ट में वोटर्स गए बम पर जीत मिली बीजेपी के हाथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो होना चाहिए था तो इस वक्त भी चुनाव है वो फैक्ट की बात फिर कर रहे हैं चलिए इस पर अमल किया जाएगा कांग्रेस को अगर लगे लगेगा ये चीज़ कि वो गलतियाँ कर रहे हैं तो फिर वो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे लेकिन एन वक्त पे यह माइंड गेम खेलना कि प्रशांत किशोर भाजपा के साथ खड़े हैं दरअसल एक अलग तरीके की रणनीति है जिसमें यह कहा जाता है चुनौती के रूप में दिया जाता है अरे बीजेपी के साथ तो इतने वोटर्स हैं बिखर ही नहीं सकते हैं एक चुनौती है आप इस पॉलिटिक्स को समझिए इस को समझिए तो इससे उस वोटर्स के दिमाग पर असर पड़ता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम वोटर्स को ये समझ में आता है कि प्रशांत किशोर अगर हमें बता रहे हैं आगे से कि हम बीजेपी के वोटर्स हैं तो वोट तो अपना है हम जिसको देंगे तो वोट बदलता है बंगाल में भी हुआ असर का तो इस बार यूपी में कहीं इसका असर ना देखने को मिल जाए कहीं उपचुनाव में इसका असर देखने को ना मिल जाए तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही प्रशांत किशोर सदी हुई बैटिंग करते हैं या राहुल द्रविड़ हैं ये धीरे से मारते हैं लेकिन टाइमिंग इतनी परफेक्ट होती है कि वह सही जगह जाकर निशाना हो जाता है तो नज़र बनाए रखना पड़ेगा रिया कि प्रशांत किशोर एक ऐसे रणनीतिकार जो अपनी बातों पर खड़े भी नहीं रहते वो अगर कह रहे थे कि वो अब दूसरा काम करेंगे वो अगर किसी पार्टी के लिए स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे रणनीति नहीं तैयार करेंगे तो फिर आप इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं आप मार्गदर्शक बने क्यों फिर रहे हैं आप यादव अपनी पार्टी बनाइए या फिर जो आप कह रहे थे कि हम बिहार की बात करेंगे बात बिहार की एक कार्यक्रम लेकर के वो आए हुए थे कि इसमें ऐसे नेता तैयार करेंगे जो भविष्य में नीतीश कुमार का या लालू यादव का इन लोगों के विकल्प के रूप में उनको देखा जाएगा युवा चेहरे की खोज करेंगे लेकिन ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं पड़ता है तो प्रशांत किशोर अभी तो दूसरे दूसरे देश में घूम रहे हैं आखिर आप सर्वमान्य नेता बन सीधे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं क्या तो भाजपा वालों से तो हम यही कहेंगे कि प्रशांत किशोर की, की बातों में आने से अच्छा है कि आप अपने कोर चीज़ों पर जो है आपके जो ग्राउंड पर जो पकड़ है जो आपके कार्यकर्ता हैं जो कोर वोटर्स हैं उनको बिखरने मत दीजिए एक तरह की चुनौती दे रहे हैं कि वो बिखरते नहीं हैं वो एक तिहाई वोटर्स जो हैं उनके साथ रहते हैं ऐसी बात नहीं है ये बिखार देने बिखेरने के लिए ही प्रशांत किशोर इस तरह की बयानबाजी करके आपको इस बाज़ार में राजनीति के बाजार में एक शोर मचाते हैं कि ये भी एक स्ट्रैटेजी ही है हाँ एक स्ट्रेटेजी है तो भाजपा वालों को अलर्ट रहना चाहिए नहीं तो बंगाल वाला हाल हो जाएगा कहीं फिर से तारापुर कुशेश्वर तो राजस्थान में भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए या फिर यूपी चुनाव में कुछ इसका असर ना देखने को मिल जाए या गोवा में कुछ गड़बड़ियाँ ना हो जाए तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा वो कुछ कहें आप अपने काम में लगे रहिए बाकी लोग तो बोलते रहेंगे कांग्रेस तो कह रहे हैं प्रशांत किशोर जो है पैसा खा के बोल रहे हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है प्रशांत किशोर चाल चलते हैं उस चाल में वो जो है जीत जाते हैं अक्सर लोग फंसते हैं और इनकी जीत हो जाती है तो इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ आप बने रहें धन्यवाद